हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आप राजा और याजक हैं। जैसा कि गिनती की पुस्तक अध्याय 18 उसकी 12 आयत में लिखा है, फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाखमधु और गेहूं अर्थात इनकी पहली उपज जो वो यहोवा को दें वो मैं तुझको देता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर पुराने और नए नियम में भी एक सा परमेश्वर है। परमेश्वर की इच्छा पुराने नियम में भी और नए नियम में भी यही थी कि हम उसकी सेवा करें। परमेश्वर याजकों, हारून और उसके बच्चों और लेवियों से बात कर रहा था, जब तुम मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम तेल, दाखमधु और दाखरस दूंगा। लेकिन पुराने नियम में सेवा सब लोगों के लिए नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति लेवी गोत्र के बिना किसी तंबू को हाथ भी लगा देता था तो वो मर जाता था, क्योंकि तंबुओं का काम सिर्फ लेवी गोत्र को दिया गया था। या जैसे दाऊद के समय में किसी ने वाचा के संदूक को उत्साह से खोलकर देख लिया था तो वो सब मर गए थे, क्योंकि उन्हें सेवा करने की आज्ञा नहीं थी, बल्कि वो सब उसकी रक्षा ही कर सकते थे। पुराने नियम में लोग याजकों के पास जाकर उन्हें बकरा देते थे और वो उसे बलि करते थे और उनके लहू को छिड़कते थे कि उनके पाप लहू के कारण माफ हों। नए नियम में यीशु मसीह ने कहा कि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू तुम्हें पापों से आजाद करेगा, बल्कि एक ही बार मेरा लहू पूरे संसार के लिए बहाया जाएगा और जो विश्वास करेगा उसके पाप माफ होंगे। यहाँ याजकों का काम खत्म हो गया और उनकी जगह कौन ले रहा है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसकी 6 आयत के अनुसार, और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। अब हारून की जगह यीशु मसीह ने ले ली, जो हमारा महायाजक है, जो स्वर्ग में विराजमान है, और याजकों की जगह आपने ले ली है। आप एक याजक हैं, परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम देगा। पुराने नियम में सब सेवा नहीं कर सकते थे, लेकिन अब नए नियम में आप सब सेवा कर सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको अपना जीवन परमेश्वर के आगे समर्पित करना होगा, पापों से तौबा करनी होगी, पवित्रता में जीना होगा, तब आप परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे, आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपकी सेवा एक अच्छे याजक की तरह करने पाऊँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।